मंगला डैम आजाद कश्मीर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीपू ज्ञाना। रामकोट फोर्ट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। कुछ ज़रूरी सामान के साथ ये अकेली है जिसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 11 बजे का टाइम दिया था सबने इकट्ठा होने का एक पॉइंट पे, तो हसब रवायत जब तक 11 ना बजे हम घर से नहीं निकलते, तो 11 बज के 2 मिनट तो मुझे घर में ही हो गए हैं, तो अभी निकल रहा हूँ। सारे बंदे मिलते हैं तो वीडियो में साथ रहना है। आज एक स्पेशल जगह आपको देखने का मज़ा आएगा, वन डे पिकनिक प्लान विद स्कूल फ्रेंड्स। लो भाई जी, खबर ये है कि अगर हम लेट हैं तो ये भी हमारे दोस्त हैं, अभी रेडी होके नीचे आ ही नहीं रहे। हम घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके वेट कर रहे हैं और उम्मीद है अपने दोस्तों का, और स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम है, टाइम वो क्या कहते हैं इकबाल, हमेशा लेट आते हैं। तो वो सीन है, अब हम इधर वेट करेंगे गाड़ी में, आप भी वेट करें। ये अभी स्ट्रीम पुलाव थे, पुलाव की देग हमारी गाड़ी में। अली भाई, ये क्या प्लानिंग की है आपने हमारे लिए? बिरयानी। व्यूवर, सारी तैयारी तो आपको बता दी है लेकिन प्लान तो बताया नहीं। कुछ दिन पहले स्कूल फ्रेंड के साथ मीटअप हुआ था, कहते हैं यार वन डे टूर प्लान रखो, तो आज़ाद कश्मीर में ना कोई रामकोट फोर्ट है वो इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, ठीक है। तो अभी सारे दोस्त मिलके उधर जा रहे हैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है और हमारे साथ रहना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। रामकोट फोर्ट जाने के लिए सबसे आसान और बेस्ट वे दीना टू मंगला डैम। आर्मी की इस चेक पोस्ट पे चेकिंग के बाद वी आर इन मंगला डैम। अली रजा साहब, यार तुम लाभ जान दो साहब करें। डॉक्टर मोहम्मद मंसूर, अगर मड़ियो आंदा है मुंडा मार, प्लीज कॉल मी सब। अली रहमान, केरो अली रहमान, उमर रहमान, उमर शहजाद, राजा उस्मान, नोमिया दरबिदीन, और ये हमाद मलिक फ्रॉम जेठी के पार्क, ठीक है। कौन रह गया? अब्दुर्रहमान प्लांट। तो व्यूअर्स, अभी हम अपने स्पॉट पे तकरीबन पहुंच गए हैं, ठीक है। ये एरिया इधर से हम बोट लेके तो अपने रामकोट फोर्ट तक जाएंगे। इधर से अगर बोट पे हम बैठें तो तकरीबन 16-17 किलोमीटर का सफ़र है, वो हम तय करेंगे आधे घंटे 35 मिनट में। यारा वो तो ले
सबसे मेन बात है इधर से बोर्ड किला तक जाने के लिए ना बड़ी महंगी है, तकरीबन हम ज्यादा बंदे हैं, दो बोर्डे हमारी हुई हैं तकरीबन 22,000, जाना भी 19 किलोमीटर जाना है, 19 किलोमीटर वापसी। तो हमारी डील डन हो गई है, अब हम निकलने लगे हैं। समझ नहीं आते कमाल। We are ready to going to Ramkot Fort. 1, 2, 3, go! Yeah! कुछ हमारी गैंग के पार्टनर्स वो हैं। 1, 2, 3, go! हमारे बोर्ड के आज के क्या कहते हैं राइडर, और हमारे सफर का आगाज शुरू हो चुका। ये चीज फायदा दी। क्या बात है पम्मू किस्म की। यहाँ ना दो किस्म की बोट्स हैं, नॉर्मल और स्पीड बोट्स, और हमारे पैसे तो स्पीड बोट में बैठ के पूरे हो गए। ये जब किले की तरफ जा रहे होते हैं ना, ये कंटीन आती है। फिलहाल अंदर कुछ नहीं, लेकिन इसको पता नहीं किसके तौर पे यूज करते हैं। उमर भाई आओ उस फील्ड, बस पानी का घोट लाओ। मलिक साहब योर इंशाल्लाह मैं तो चढ़ जाऊंगा ऊपर। ये बंदा देखें, इसका स्टेमिना बड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह है नौमी भाई, हाथ ला के दोनों। ये नौमी भाई और अली भाई, सिक्स पैक बाइसेप ट्राइसेप के जलवे कहीं और, इधर नहीं चलने। क्यों अब्दुलरहमान भाई उठे शहजादा। आधी गैंग कुछ वो बैठी हुई है, लेकिन आपका भाई चल रहा है लगातार। ये अपनी गैंग बैठी हुई है, और ये सामने किला, ठीक है, बस थोड़ा सा ही रह गया बैठने के लिए। दो तीन जगह हैं जिधर ये रास्ते के साथ ही बेंच लगा हुआ है, और साथ ये डस्टबिन, इस डस्टबिन को यूज़ करना है। जैसे जैसे किला नज़दीक आ रहा है, हमें भी हिम्मत आ रही है, तेज से चल रहे हैं। ये हम बंदे पहुँच रहे हैं। हम किले के अंदर जाएंगे। ये किले का दरवाज़ा है, और ये दरवाजे के सामने का व्यू है किले का। ये था रामकोट फोर्ट, ठीक है। इधर तक पहुंचने तक ना
थोड़ा पैदल सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, ट्रैक पहाड़ चढ़ना पड़ता है नीचे जिधर बोर्ड रुक जाती है, फुल पसीना गर्मी, और गलती हमारे से ये हुई, हमारे पास पानी भी नहीं है, लेकिन ये खिड़की से व्यू देख के ना तो प्यास ख़त्म हो जाती है। ये पुराना सा स्विमिंग पूल, मज़े की बात ये यार ये गहरा बड़ा है, इसमें कैसे नहाते होंगे। और ये हमाद मलक है, ये फिल्ट्रेशन के लिए है। किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए, पानी की फिल्ट्रेशन के लिए। बताओ क्या लिखा हुआ है इधर? देखिए इसका नाम है द साउथर्न टैंक। द वाटर टैंक इज ऑलमोस्ट स्क्वेयर इन प्लान एंड हैज़ बिन सन्क इन टू द ग्राउंड टू अ टोटल डेप्थ ऑफ ओवर 6 meters। इट हैज़ मेजनरी वॉल्स एंड पेव्ड फ्लोर ऑल प्लस्टर्ड विथ अ थिक लाइम कोट। अभी तो ख़त्म हो गया प्लस्टर, लेकिन पहले जो है ना लाइम के साथ उन्होंने कोटिंग की हुई थी इसको ऊपर, और ठीक आप फेमस हो गया। हेलो हमने ना इधर आके दोस्तों के साथ पिक्चर बनाने का सोचा है, अब उसकी प्रिपरेशन हो रही है। अभी किले के ऊपर वाले हिस्से में हम चलेंगे, ये जो दीवार है ना, ठीक है, इधर ये सारा ये रास्ता जाता है इधर से ऊपर, फिर उधर जाना है हमने। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची, बड़ी मुश्किल है इनको चढ़ना, इतना भी नहीं, अगर आप थोड़े से फिट हैं तो आराम से चढ़ सकते हैं। माय फ्रेंड रहमान शहजाद स्कूल फेलो है, बड़ा अच्छा स्कूल में शरीफ था, आजकल बदमाश बन गया इस्लामाबाद जाके। अब आते हैं टूर की तरफ, रामकोट फोर्ट बहुत ही अच्छा एक स्पॉट है, वन डे टूर के लिए ज़रूर आना चाहिए, मस्ट विजिट। एडवेंचर के लिए आप बोर्ड हो जाती है 19 किलोमीटर, काफ़ी लंबा सफ़र है, और बोर्ड वाले इधर भगाते बहुत हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इधर आके हिस्ट्री देखने का और पुरानी चीज़ें देखने का बड़ा मज़ा है, ठीक है। आपने हमारी वीडियो देखी, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर हमारे टूर का आज के डे का इख्तिताम होता है, और ये अली रज़ा भाई हैं, इनका स्पेशल थैंक, इन्होंने ये स्पॉट बताया और प्लान इन्होंने बनाया, ठीक है। और ये कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये कह देना कि प्लीज़ सब्सक्राइब टिपू गया ना, सब्सक्राइब टिपू गया ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।